हमारे Xiaomi 11 Lite NE 5G डिवाइस के लिए एक लेटेस्ट अपडेट अवेलेबल हुआ है जो कि 14.0.7 है, जिसका साइज मुझे यहाँ पे 788 MB देखने को मिला है। बट ये साइज आपके लिए कम होगा, क्यों कम होगा वो मैं आगे आपको बताऊंगा। प्लस में इस अपडेट के बाद हमारे फ़ोन के अंदर क्या कुछ चेंज देखने को मिला है वो सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो बस लास्ट तक जरूर वॉच करना ताकि आपको पूरा डिटेल मिल सके इस अपडेट के बारे में। और आप कमेंट करके बताना कि अपडेट आपको मिल चुका है या फिर स्टिल आप वेटिंग लिस्ट के अंदर ही हो, क्योंकि ये पायलट टेस्टर में है तो विद इन वीक आपको मिल जाएगा। और जैसे आता है आई ट्राई कि मैं आपको इन्फॉर्मेशन है जो दे सकूँ। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। मैंने आपको कुछ दिन पहले ही बताया था कि Xiaomi आजकल फीडबैक लेना चालू कर दिया है, काफ़ी ज़्यादा जोर देता है इसके ऊपर। और हर एक अपडेट के बाद यहाँ पे हमें देखने को मिलता है 2 दिनों के यूज के बाद कि टेल अस अबाउट योर एक्सपीरियंस। ऐसे में आप नेट कनेक्ट कर लेना, इस पर क्लिक कर देना और आपको जिस टाइप का अपडेट लगा, कैसा है, कुछ बग है या नहीं, वो आप अपने यूजेज के हिसाब से यहाँ पे रेटिंग दे सकते हो। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप 6 दे दो, कम कर दो, बाद में आप चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से। उसके हिसाब से यहाँ पे आपको ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। और हाँ, रेटिंग हिसाब से यहाँ पे ऑप्शंस भी चेंज होते हैं, यानी आप बहुत अच्छा बता रहे हो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे कुछ कम बग हो गए तो उसके हिसाब से चेंज होता रहता है। तो यहाँ पे आप इस तरीके से डाल के अपने हिसाब से जो भी आपको यहाँ पे इशू नज़र आता है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको ओवरहीट का ऑप्शन आ रहा है या पावर कंजप्शन का आ रहा है या फिर एक से ज़्यादा आ रहा है, इस तरीके से आप क्लिक करो और उसके बाद इस तरीके से आप सबमिट कर देना। और हाँ, यहाँ पे बहुत सारे लोग आज के टाइम में MIUI से कुछ ज़्यादा ही हेट करने लगे हैं मदर बोर्ड और बाकी सारी चीज़ों को लेके। जैसे में यहाँ पे बहुत सारे गलत वोटिंग कर देते हैं एक्चुअली में, जो नहीं है इशू वो भी सिलेक्ट कर लेते हैं। तो वैसे में ये जो आप सबमिट करोगे ना, ये आपका रिजेक्ट हो जाएगा, सक्सेस नहीं होगा, क्योंकि आपने भाई गलत डाला है लेकिन बाकियों ने तो गलत नहीं डाला होगा और Xiaomi वहाँ पे खुद से चेक करेगा। तो इसलिए राइट वोटिंग करना ताकि आपके जो भी आपने रिस्पांस दिया उस पे काम किया जा सके। तो आप गलत डालोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, बस समझो कि आपने अपना वोटिंग को वेस्ट कर दिया। तो ये कर लेना सबसे पहले। उसके बाद अब आते हैं अबाउट पे, बाकी दर चीज़ों पर नज़र डालते हैं। तो देखो यहाँ पे 14.0.7 आ चुका है और स्टोरेज साइज की बात करके यहाँ पे कितना गया है तो 11.08 GB के आसपास का ही है, जो कि अच्छा लगा कि यहाँ पे बढ़ाया नहीं गया है ज़्यादा वगैरह। उसके बाद यहाँ पे डिटेल एंड इन्फो के अंदर 9 मंथ का सिक्योरिटी पैच देखने को मिल जाता है। प्लस में यहाँ पे आपको जो वही सारी चीज़ें नज़र आ जाती है। बैक आते हैं तो यहाँ पे मुझे कुछ सिस्टम के ऐप्स के अपडेट नज़र आए थे, लेकिन यहाँ पे मुझे लग रहा है कि Xiaomi आने वाले टाइम में सिस्टम ऐप अपडेटर को बिल्कुल ही डिसेबल कर देगा, चाहे वो MIUI 15 में ही हो जाए या फिर आगे चल के, क्योंकि यहाँ पे कम अपडेट हमें देखने को मिलते हैं और गेट ऐप के अंदर कुछ ज़्यादा ही अपडेट देखने को मिलते हैं, चाहे वो सिस्टम के हो या नॉर्मल अप्लीकेशन वगैरह के ही क्यों ना हो। तो देखो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं, ये हमारा है जो अदर अप्लीकेशन में टोटल 9 अप्लीकेशन है, जिसमें जो ब्राउजर, नेटफ्लिक्स, मी स्टोर, Xiaomi सर्विस प्लस, ये सारे अदर अप्लीकेशन है जिसे आप अनइंस्टॉल कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे देखो सिस्टम ऐप, ये भी हमें गेट ऐप में नज़र आता है, बट मैं अगर बैक आता हूँ तो यहाँ पे अपडेट मुझे नज़र नहीं आ रहा। क्यों ऐसा क्यों किया? क्योंकि भाई आगे चल के इसे तो ये हटाने वाले हैं, जो कुछ भी आपको देखने को मिलेगा सिस्टम ऐप वगैरह के अपडेट वो सारे आपको गेट ऐप में ही नज़र आने वाले हैं। ये चीज़ मैंने इस बार जो ज़्यादा नोटिस करी है, जो कि पहले उतना ज़्यादा नहीं था, बट इस बार मुझे काफ़ी ज़्यादा है जो गेट ऐप में सिस्टम ऐप के अपडेट नज़र आए हैं, मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन शॉट में दिखाना चाहूँगा। तो यहाँ पे आप देखो कि हमारा किधर गया सिस्टम। हाँ, तो ये देखो इतने सारे अपडेट मुझे देखने को मिले सिस्टम वाले, जिसमें से क्लॉक वगैरह और बहुत सारी चीज़ आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, यानी टोटल 8 अप्लीकेशन थे हमारे गेट ऐप के अंदर। वहीं पे अपडेटर की अगर हम बात करते हैं कि हमारा अपडेटर किधर गया, तो अपडेटर में टोटल यहाँ पे 3-4 अपडेट ही मुझे देखने को मिले थे, जो कि ज़्यादा नहीं है। तो ये चीज़ यहाँ पे है जो अभी थोड़ा बहुत इधर से उधर, उधर से इधर है जो किया जा रहा है Xiaomi की तरफ से, जो कि आई क्या ही कहे। और आप यहाँ पे डिमांड करने वाले हो कि क्या MIUI डायलर आएगा, तो जी नहीं, ना आया है, ना आया था, ना ही आएगा। तो MIUI डायलर का भाई उम्मीद यहाँ पे छोड़ दो कि कभी आपको मिलने वाला है। कैमरे की बात करें तो कैमरा मुझे ठीक लगा, कोई दिक्कत नहीं आई है, लेकिन फोटो क्लिकिंग के बाद ये थोड़ा सा टाइम ले लेता है सेव होने में, जो कि मुझे लगा कि ये पहले ऐसा नहीं था, बट अभी स्टिल मुझे थोड़ा बहुत देखने को मिला है। तो आप ये चीज़ मुझे कन्फर्म जरूर करना। कंट्रोल सेंटर के अंदर कोई भी चेंज यहाँ पे नहीं आया है। और हाँ, MIUI का जो मैसेजिंग ऐप था जो कि लास्ट टाइम आया था, वो स्टिल हमें देखने को मिल जाता है, लेकिन MIUI का डायलर अगर दे देते इसके जगह तो ज़्यादा बेटर रहता और ज़्यादा यूजफुल भी हमारे लिए होता, बट ऐसा नहीं हुआ है। बाकी अगर ओपेरा मिनी की बात करें तो स्टिल हमें इसे जो अनइंस्टॉल कर सकते हैं, जिसमें मुझे ये अच्छा लगा कि भाई चलो दिया तो गया है लेकिन हम हटा सकते हैं।
और यहाँ पे मुझे जो यहाँ पे गेम का एक एप्लीकेशन देखने को मिलता था, ये रहा गेम सेंटर, ये नहीं नज़र आ रहा था बट अब आ गया। अभी भी स्टिल मैं इसे डिसेबल नहीं कर सकता, ना ही अनइंस्टॉल कर सकता हूँ। तो भाई काफ़ी मोटा पैसा है जो यहाँ पे मिला है MIUI वालों को, ताकि इसे परमानेंट रख सके एज अ सिस्टम ऐप, क्योंकि एक बेकार एप्लीकेशन है जिसे कोई भी यूज नहीं करने वाला। और हाँ, सिस्टम ऐप के ऐप वर्ल्ड को आप जैसे ही अपडेट करते हो, इसका एक शॉर्टकट बन जाता है जहाँ पे आप देखो इस टाइप का प्लस साइन देखने को मिलेगा, जहाँ पे सारे विजिट्स आपके नज़र आ जाएंगे, जिन्हें आप चाहो तो यहाँ पे होम पे ऐड कर सकते हो या फिर साइड में भी ऐड कर सकते हो। और हाँ, यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे भी ये चीज़ें दिखाई दे रही है, और आप चाहो तो इसे यहाँ से डायरेक्ट जो रिमूव कर सकते हो, ठीक है, और उसके बाद आप डायरेक्ट उसे जो यहाँ से ही एक्सेस है जो कर पाओगे। तो देखो यहाँ पे आइकन चेंज हो चुका है, बाकी अबाउट आपको देखने को मिल जाता है जो कि यहाँ पे 13.13.2 देखने को आपको जो मिल जाता है। तो ये टोटल चीज़ आपको यहाँ पे जो दिखाई देती है, जिसका थोड़ा सा लुक चेंज हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे ज़्यादा कुछ मुझे जो नज़र ही नहीं आया है इनके बीच के अंदर। और इसके अंदर चेंज की बात करें तो ऐसा कुछ खास देखने को नहीं मिला। वहीं पर गैलरी के अंदर आते हो, किसी भी फोटो को हम एडिट करते हैं, तो यहाँ पे आप देखो AI के अंदर स्काई इरेजर और ब्यूटीफाई वगैरह के कॉमन ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जहाँ पे ज़्यादा कुछ आया नहीं है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा परफॉर्मेंस की, और जो मुझे साइज़ ज़्यादा देखने को मिला है उसकी, तो ये साइज़ मुझे इसलिए ज़्यादा देखने को मिला है क्योंकि मैंने यहाँ पे फास्ट बूट फ्लैश किया, उसके बाद अपडेट किया। तो अगर आप लेटेस्ट वाले वर्जन पे हो गए तो आपको बहुत कम देखने को मिलेगा, लेकिन मैं काफ़ी ओल्ड से यहाँ पे स्विच किया हूँ 14.0.4 से 14.0.7 पे, इसलिए यहाँ पे देखो चेंज लुक में भी अप्रैल का सिक्योरिटी पैच, जून का सिक्योरिटी पैच और सितंबर का तीन दिखाई दे रहा है, और इस तरीके से बेकार सा ये देखने में लग रहा है। बट आपको सिर्फ एक ही लाइन दिखाई देगा कि सिक्योरिटी पैच हुआ है और इंक्रीज किया गया सिस्टम सिक्योरिटी को, इसके अलावा ज़्यादा कुछ आपको नज़र नहीं आएगा। तो ये चेंज लुक को आप इग्नोर मारना, ठीक है, लेकिन हाँ एक ही लाइन रहेगा, ज़्यादा नहीं रहेगा। अनटूटू स्कोर मुझे अच्छा लगा कि 62 का गया, जो कि पसंद आया। गीक बेंच भी काफ़ी सही और परफेक्ट देखने को मिल जाता है, और 100 पे डालने के बाद नॉर्मल CPU टोटल, यहाँ पे मैंने गलती से स्क्रीनशॉट ले लिया था, दोबारा लिया तो यहाँ पे ये काफ़ी डाउन गया, तो इसे हम इग्नोर मार देते हैं। और ये है हमारा गेम टोटल में ऐड करने के बाद, जो कि 249,000 मैक्स है, और मिनिमम यहाँ पे 234,000 है, जो कि मैं कहूँगा कि स्टेबल बैलेंस परफॉर्मेंस है जो कि इस फ़ोन में अक्सर हमें देखने को मिलता है, तो इसमें कोई डाउनसाइड नहीं है। वहीं पे बैटरी ड्रॉप की बात करें तो 66 के बाद मॉर्निंग में आता है 64, यानी 2% का बैटरी ड्रॉप गया है फुल नाइट के अंदर, जो कि मुझे ठीक लगा है, ज़्यादा ड्रॉप नहीं हो रहा। और कैमरा वगैरह यहाँ पे चेक किया मैंने, ये हमारा है जो काम करता है, इनमें कोई दिक्कत है जो नहीं आती। तो टोटल यही सारी चीज़ें मुझे कहूँगा कि इस अपडेट में देखने को मिला है, और ऐसा कुछ खास बिग इशू या बिग चेंज नहीं आया है जिसे देख के आप एक्साइटेड हो जाओ कि भाई क्या ही अपडेट दे दिया है, चलो अपडेट कर ही लेते हैं, ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता स्पेशल। तो मर्जी आपकी है कि आप इसे अपडेट करना चाहते हो या नहीं, अगर आपको करना है अपडेट आप अपडेट कर सकते हो, नहीं करना है तो भी नहीं कर सकते हो, मर्जी आपकी होने वाले की, कुछ खास नया चेंज नहीं है। बस आपको छोटा मोटा एडवांटेज आपको जरूर मिल जाता है कि यहाँ पे आपको जो लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच मिल जाएगा, जो कि भाई आपके फ़ोन के लिए सही है, तो आप अपडेट कर लेना, ठीक है। बाकी ज़्यादा कुछ स्पेशल था नहीं, तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी टाइप के अपडेट के इन्फॉर्मेशन के साथ। और आपको कुछ नया स्पेशल देखने को मिला इस अपडेट के बाद, तो आप कमेंट कर सकते हो कि हाँ भाई मुझे ये एक्स्ट्रा चीज़ें नोटिस हुई है जो कि आपने इस वीडियो में कवर नहीं किया, इससे बाकी अदर यूजर्स को भी पता चल जाएगा। तो बाय।